गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर. रीडिंग ऑल ऑफ यू हैव डन. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर 7, दैट इज अमेजिंग एनिमल्स. अमेजिंग मीन्स वंडरफुल एनिमल्स, है ना, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. अबाउट दैट वी विल स्टडी. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर इन डेजर्ट, polar regions, oceans, air and mountains. Animals choose a place to live according to their body structure, है ना. तो animals जो हैं सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो desert हो या फिर polar region जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ocean हो समुद्र या फिर हवा में, और mountains पर सभी जगह तरह तरह के animals पाए जाते हैं, है ना. एनिमल्स जो हैं कहाँ रहेंगे वो सेलेक्ट करते हैं कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस जगह पे इजीली सरवाइव कर पाएंगे, ऐसी जगह वो खुद ही सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं. हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, वो जगह जहाँ पे कि एनिमल सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उनके रहने का स्थान, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट. सो वी कैन से दैट एन एरिया इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स, ईट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. सो वो जगह जहाँ पे कि जानवर नेचुरली मीन्स अपने आप से वहाँ रहते हैं, वहाँ उनको फूड अवेलेबल होता है, वहाँ वो ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए वो जगह ही उनका हैबिटेट होता है. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग हैबिटेट होते हैं, सबके हैबिटेट एक जैसे नहीं होते, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ लायंस, मंकीज एंड स्नेक्स, एंड डेजर्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल, है ना. डेजर्ट्स में ज़्यादातर कैमल पाए जाते हैं, जबकि लायन और मंकी जो हैं वो फॉरेस्ट रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ वो जगह इन एनिमल्स के लिए सुटेबल है, जबकि कैमल के लिए फॉरेस्ट सुटेबल नहीं है. कैमल जो है डेजर्ट में रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह है, वहाँ दिन भर बहुत गर्मी रहती है, वहाँ पानी भी बहुत कम है, है ना. देर इज़ लैक ऑफ वाटर और वेरी लिटिल वाटर इज़ प्रेजेंट इन डेजर्ट एरिया, एंड सो एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट. सो वो जानवर जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे. Now we come to the different types of habitats. वैसे the main habitat for animals are forest, desert, polar region, high mountains, oceans and freshwater bodies. So mainly जो animals के habitat हैं, अलग अलग animals के अलग अलग habitat हैं, तो habitat कौन कौन से हैं, अलग तरह के different types of habitats are forest habitat, means जंगल का habitat, deserts habitat, that is desert means रेगिस्तान, polar region the very cold place, high mountains, ocean and fresh water bodies. ये सारे habitats हैं different animals के. So first we come to the forest habitat. Forest habitat में क्या होता है, mainly you can see in the figure tiger, rabbit, lion, है ना, snakes, all these live in forest. So forests are large areas that have a variety of trees and other plants. जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, है ना. That is why it is called forest. A large variety of animals also live in the forest. और जिस तरह से वहाँ पर different types of trees होते हैं, large varieties of trees and plants होते हैं, उसी तरह से forest में large variety of animals भी रहते हैं. Different animals live at different places in the forest.
फॉरेस्ट में अलग अलग जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शेर के साथ में डियर रहने लगेगा, ऐसा नहीं है। डियर फॉरेस्ट में कहीं अलग रहेगा छुप के, और लायन या टाइगर कहीं अलग रहेगा, उनका ड्वेलिंग प्लेस अलग होगा। लायंस एंड टाइगर्स लिव इन केव्स और डेंस, है ना। लायन एंड टाइगर हैं ये केव में रहते हैं या बहुत घने जंगल में रहते हैं। बर्ड्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज, वेरस स्नेक्स लिव इन होल्स एंड रैबिट्स लिव इन बरोज। सो सबके रहने का जगह एक ही जंगल में अलग अलग होता है। नाउ सेकेंड वी कम टू द डेजर्ट हैबिटेट। Desert habitat, it is very hot and sandy, so much of sand is present in desert. So the sandy land area that do not have sufficient water or green vegetations are called deserts, and this type of habitat is called desert habitat. तो वो हैबिटेट जहाँ पे कि पानी बहुत कम होता है, ग्रीनरी भी बहुत कम होती है, बारिश भी बहुत कम होती है, पूरा एरिया सैंड से भरा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दैट टाइप ऑफ एरिया इज़ कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट्स आर यूजुअली हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, वाटर इज़ हार्डली फाउंड इन डेजर्ट्स, है ना। अभी मैंने बताया ना कि वहाँ डेजर्ट जो है बहुत ही गर्म जगह है और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से पानी या पौधे मिल पाते हैं। ड्यूरिंग द डे डेजर्ट्स आर हॉट, वाइल एट नाइट दे आर कूल। दिन के समय में डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं, जबकि रात के टाइम में डेजर्ट ठंडा हो जाता है। डेजर्ट एनिमल्स हैव सम स्पेशल बॉडी फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव देयर। अब डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। डेजर्ट एनिमल्स हैव सम स्पेशल फीचर्स, बॉडी फीचर्स, उनके बॉडी जो हैं कुछ स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं जिससे कि वो डेजर्ट एरिया में रह सकते हैं। सारे जानवर डेजर्ट में नहीं रह सकते हैं। सम ऑफ देम बरी अंडर द ग्राउंड ड्यूरिंग द डे टाइम। उनमें से कुछ जानवर होते हैं जो कि सुबह दिन के टाइम में वो अपने को ज़मीन के अंदर छुपा लेते हैं, और जिससे कि वो कूल रहते हैं, कूल रख सकते हैं खुद को और जिंदा भी रह सकते हैं, गर्मी से खुद को बचा पाते हैं। सम हैव थिक स्किन टू सेव वाटर। कुछ एनिमल्स हैं ऐसे कि उनके बॉडी पे थिक स्किन होता है ताकि वाटर लॉस कम हो उनके बॉडी से। अब हम कैमल के बारे में पढ़ेंगे, कैमल वहाँ क्यों रह पाते हैं, उनके बॉडी में कौन सा स्पेशल फीचर है। तो कैमल स्टोर फैट इन हम, कैमल्स जो हैं वो अपने हम में फैट स्टोर कर लेते हैं एंड यूज इट एज फूड वेन एवर दे नीड इट। जब भी उनको ज़रूरत होती है तो वो हम में स्टोर किए हुए फैट को फूड की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बिना पानी के, बिना खाना के कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और चलते भी रह सकते हैं, है ना। लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम सैंड हीट। अब इनके पैर इतने लंबे लंबे होते हैं, लंबे पैर होने से क्या होता है कि सैंड की गर्मी से ये अपनी बॉडी को बचा पाते हैं। इट्स लॉन्ग आई लैशेस प्रोटेक्ट्स इट्स आईज फ्रॉम सैंड, और इनके लॉन्ग आई लैशेस जो है वो इनकी आईज को सैंड से बचाते हैं। नाउ चिल्ड्रन, इन दिस फिगर यू कैन सी व्हाट इज हम। हम किसे कहते हैं, ये जो कैमल के पीठ के ऊपर ऐसे उभार होता है ना, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इनकी टांगें कितनी लंबी लंबी हैं। लंबी होने से क्या हुआ कि ज़मीन पे जो सैंड है इससे इनकी बॉडी दूरी पर रहेगी, और दूर रहेगी तो इनको गर्मी कम लगेगी, है ना। सो दीज आर द
features which enable this camel to live in this place. Now we come to the next topic, polar region and high mountains. अब polar region में रहने वाले animals कौन है? जैसे polar bear है ना, penguin, ये सब बहुत cold, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे seal, walrus, ये सब जो है polar region में रहते हैं, बहुत ठंडी जगहों पे ये survive कर पाते हैं। अब ये ठंडी जगह पे रहते हैं तो इनके body में भी कुछ speciality होगी जिसकी वजह से उन्हें ठंड कम लगती है और वो वहाँ पे खुद को अलाइव रख सकते हैं। तो इनमें क्या क्या फीचर्स हैं अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पोलर रीजन, पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड प्लेसेस, दे आर कवर्ड विथ स्नो, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्नो ही पड़ा रहता है। पोलर बियर्स, सील्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन दीज रीजन, तो इन जगहों पे पोलर बियर, सील और पेंगुइन्स, ये इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, वो ऐसी जगह पे खुद को ज़िंदा रख पाते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल फीचर्स होता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके बहुत ज़्यादा ठंड से। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, उनकी जो स्किन होती है ना, आउटर स्किन, चमड़ी जिसे बोलते हैं, स्किन के नीचे फैट का एक मोटा लेयर होता है और फैट क्या करता है, इन एनिमल्स के बॉडी को गर्म रखता है, ठंडा नहीं होने देता। सम ऑफ देम आल्सो हैव थिक फर, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके बॉडी पे थिक फर होता है, फर मीन्स बाल है ना, थिक फर होता है और ये फर भी क्या करता है, उनके बॉडी को वार्म रखता है। बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज पेंगुइन्स एंड टर्मिगन्स हैव थिक एंड डेंस फीदर्स ऑन देयर बॉडी, तो ये जो कुछ बर्ड्स हैं इनके बॉडी पे थिक और मोटा फीदर्स होता है, माने इनके पास पंख होते हैं वो जो कि थिक भी होते हैं, मोटे भी होते हैं और इनकी बॉडी को ठंड में प्रोटेक्ट भी करते हैं, है ना। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हैबिटेट, दैट इज़ ओशन। बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट क्या है, ओशन, जैसे ब्लू व्हेल, शार्क है ना, ये सारे क्या हैं, एक्वेटिक सॉरी ओशन हैबिटेट के एनिमल्स हैं। व्हेल, शार्क, ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, है ना। सो ओशन आर द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। अब जैसे आप लोग जानते हो लैंड कितना है, बहुत थोड़ा सा है, 1/3 part ऑफ द अर्थ इज लैंड एंड रेस्ट ऑफ द होल अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, पूरा हमारा अर्थ का 70% भाग जो है वो क्या है, पानी, तो पानी क्या है, समुद्र है ना, तो समुद्र सबसे बड़ा हैबिटेट अर्थ पे है और हमारे अर्थ का सबसे बड़ा हैबिटेट ओशन ही है और ओशन में बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिशेस आर फाउंड देयर, जैसे ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, शार्क, स्टारफिश एंड मैनी अदर्स। नाउ वी कम टू फ्रेश वाटर बॉडीज। अब ओशन वाटर और फ्रेश वाटर में डिफरेंस क्या है, ओशन वाटर में खारा पानी होता है, नमकीन, नमक जैसा पानी होता है, तो वहाँ पे रहने वाली फिशेस फ्रेश वाटर में ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, है ना, क्योंकि उन वो फिशेस ने अपने को खारे पानी के हिसाब से अपने बॉडी में चेंजेस ले आ करके और ख़ुद को डेवलप कर लिया है, इसलिए वो ओशन में रह पाती हैं। लेकिन अब ओशन के फिश को ला के अगर फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ज़िंदा रहना। उसी तरह फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, जैसे नदी, तालाब, कुआँ, इन सब पानी में क्या होता है, नमक नहीं होता और इसीलिए इनको फ्रेश वाटर बॉडीज़ कहते हैं। सो रिवर, लेक, पॉन्ड्स एक्सेट्रा आर फ्रेश वाटर बॉडीज़ और इनमें भी कौन रहता है, फिशेज, फ्रॉग, सलामेंडर्स लिव इन
fresh water. Frogs and salamanders can live both on land and in water. अब इसमें फ्रॉग और सेलामेंडर है, ये तो स्पेशली टाइप के एनिमल्स हैं। क्या इसमें स्पेशलिटी है? जैसे फिश वो पानी में रहती है, लेकिन अगर पानी से फिश को बाहर निकाल दीजिए तो क्या होगा? मर जाएगी, है ना? लेकिन फ्रॉग और सेलामेंडर ये बहुत स्मार्ट हैं। अब ये पानी में अगर चले जाएंगे तो वो पानी में भी उनकी अपनी स्किन से सांस लेने लगते हैं, पानी में भी ज़िंदा रहते हैं और लंबे टाइम तक भी रह सकते हैं, है ना? और उन्हें अगर निकाल के पानी से बाहर कर दीजिए, ज़मीन पे छोड़ दीजिए, तो फिर वो ज़मीन पे अपने लंग्स से सांस लेना शुरू कर देते हैं और ज़मीन पे भी लंबे समय तक रह सकते हैं, है ना? तो फ्रॉग और सेलामेंडर ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में भी ज़िंदा रहते हैं और पानी के बाहर भी खुद को ज़िंदा रख सकते हैं। तो ऐसे जानवर जो पानी और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। वो सारे एनिमल्स जो कि पानी में भी ज़िंदा रहे और ज़मीन पर भी ज़िंदा रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। नाउ वी कम टू अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अडेप्टेशन इन एनिमल्स मीन्स changes in the body organ function, features or behavior of an organism that help it to survive in its habitat. अब जो animals के body में कुछ changes हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने specific habitat में ज़िंदा रह सकते हैं, survive कर सकते हैं, उसी को हम adaptation कहते हैं, है ना? जैसे कि in their body coverings, breathing organs, movement and feeding habits, इन सब चीज़ों में उनमें कुछ changes आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग habitat में खुद को ज़िंदा रख सकते हैं, survive कर सकते हैं। Different animals show different types of adaptations to live in a particular habitat. तो different animals, अलग अलग animals में अलग अलग तरह के changes, adaptations दिखाई पड़ते हैं, which make them fit to live in that habitat. Now body covering. So first is body covering. अब animals protect themselves from extremely hot and cold weather by their body covering. The body covering also keep them safe from their enemies. तो हर एक जानवर या इंसान जो भी है, सबके क्या है? बॉडी कवरिंग है, सबके पास स्किन है, है ना? सबके अलग, अब ह्यूमन के पास स्किन है, फिशेस के पास स्केल्स है, स्नेल के पास शेल है, है ना? तो सबकी अपनी अलग अलग बॉडी कवरिंग्स होती है और ये बॉडी कवरिंग्स उनको उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ द फर्स्ट बॉडी कवरिंग वी कम टू इज स्केल्स। बॉडीज ऑफ फिशेस and reptiles are covered with scales. Scales vary in size, shape and structure. Most of the reptiles have horny scales to prevent water loss. Snakes also have scales. Scales means एक तरह से linings होती है, थोड़ी सी उभरी हुई सी, उसी को हम scales बोलते हैं। तो बहुत सारे animals के बॉडी में स्केल्स होते हैं, कुछ के स्केल्स बड़े होते हैं साइज में और कुछ के स्केल्स बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे फिशेस में स्केल्स थोड़े बड़े होते हैं जो कि उनकी बॉडी को पानी में सड़ने से बचाता है, जबकि स्नेक्स में जो स्केल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। नाउ द सेकेंड इज शेल। शेल जानते हो ना, जैसे शंख, सीप, ये इन सब के अंदर भी जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, है ना? तो शेल इज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट एनिमल व्हेन दे आर इन डेंजर। जब वो डेंजर में होते हैं तो ये शेल उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एनिमल्स लाइक स्नेल्स, टॉर्टाइस, टर्टल्स हैव हार्ड शेल। व्हेन दीज एनिमल्स आर इन डेंजर दे विथड्रॉ देयर हेड एंड लिम्ब्स इनटू द शेल। तो ये जो टर्टल है, टर्टल, टॉर्टल, स्नेल,
दे ऑल हैव शेल, सबके पास शेल्स होते हैं, और जब भी इन्हें कोई ख़तरा महसूस होता है तो ये अपने हेड को और अपने लिम्स को, पैर को शेल के अंदर घुसा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फीदर्स। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विद फीदर्स एंड फीदर हेल्प द बर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइट एंड ऑल्सो गिव शेप टू द बॉडी। बर्ड्स यूज देयर फीदर्स टू कीप देमसेल्फ वार्म इन कोल्ड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन। कुछ एनिमल्स के बॉडी जो है फीदर्स से कवर्ड होती हैं लाइक बर्ड्स, और ये फीदर्स उनको उड़ने में हेल्प करती हैं और ठंड में उनके बॉडी को ठंडी से बचाती हैं। फोर्थ इज फर और वुल। एनिमल्स लाइक शीप, गोट, बियर हैव फर और वुल दैट कवर द बॉडीज। थिक फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। द बॉडी ऑफ शीप इज कवर्ड विथ वुल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी फर या उल से कवर्ड होती है, जैसे कि गोट, शीप, है ना, इनकी बॉडी के ऊपर फर रहता है और ये फर जो है इन्हें ठंड से बचाता है, बारिश से भी बचाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। नाउ विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड।